बहनों भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं नारी जीवन सिरप के बारे में, यानी सिरप को हमें कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि लड़कियों को ये क्या क्या फ़ायदा देता है। दोस्तों अगर लड़कियां का ल्यूकोरिया कितना भी पुराना क्यों ना हो, या पतला हो, या गाढ़ा हो, चिपचिपा हो, या बदबूदार हो, तो लड़कियों को ये सिरप पीना चाहिए। और महावीर नियमित समय पर पीरियड ना होना, या पीरियड रुक रुक कर होना, या लंबे समय तक पीरियड होना, या पीरियड चक्केदार होना, अधिक कष्ट से पीरियड होना, तो अगर लड़कियां ये सिरप पिएगी तो ये सारी उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर लड़कियों के नलों में सूजन, पेड़ों में दर्द, कमर कटने से बहुत परेशान आ गई है, तो वे इस सिरप को पी सकती है। और शरीर हर समय थका थका सा रहना, चक्कर आना, तो आप इस सिरप को पी सकती हो। और इसी के साथ साथ डिंब कोष पूर्ण विकसित ना होना, कमजोर बनना, या बनते ही छिनन हो जाना, जिस कारण आपके संभोग के समय, यानी कि रात को संभोग के समय गर्भाधारण ना होना, यानी कि आप गर्भवती ना बनना। विस्तार के रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, या गर्भवती ना बनना, या गर्भवती बार बार गिर जाना, अथवा संभोग की इच्छा ना होना, यानी कि आपको रात को बिस्तर पे संभोग की इच्छा ना होना, या इच्छा में कमी आ जाना, तो लड़कियों को ये सिरप पी लेना चाहिए, क्योंकि वे इन सारी प्रॉब्लमों को दूर कर देगा और फायदा देगा। और इसी के साथ साथ यौन अवस्था शुरू होते समय हार्मोन्स का पूर्ण विकास ना होना, शरीर दुबला पतला रहना, वक्स ब्रेस्ट पूर्ण विकसित ना होना, यानी आपके ऊपरले हिस्से विकसित ना होना, यानी कि उनको पोषण ना मिलना, तो आप इस सिरप को पी सकते हो। तथा चेहरे पर निखार ना आना, खून की कमी होना, लड़कियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब उनके पीरियड होते हैं, उनका जो ब्लड जमा होता है वो सारा पीरियड के जरिए बाहर निकल जाता है और खून की कमी आती है, तो आपको ये सिरप पी लेना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम दूर कर देगा। और मासिक धर्म देर से शुरू होना, तो इसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ साथ पेट में, कमर में व पिंडलियों में दर्द बने रहना, शरीर में बेचैनी व मन चिड़चिड़ा सा रहना, भूख न लगना, तलवों में जलन व पसीने तथा शरीर में कमजोरी व आलस्य बना रहना, तो लड़कियों को ये सिरप पी लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ खास बात मैं आपको बता दूं, डिलीवरी के बाद गर्भवती महिला योनि का, यानी निचले वाले लड़कियों का मेन पार्ट का शिथिल पड़ जाना, एम हिप्स व शरीर अनावश्यक रूप से बढ़ जाना, तो आपको ये सिरप पी लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी विकार दूर करने में सहायक करेगा। और गंदे खून की सफाई व महावीरी निश्चित समय पर सुचारू रूप से शुरू करने में सहायता करेगा। तो बहनों आपको ये सिरप पी लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये सारे फायदे होने वाले हैं। तो बहनों और भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हमें सेवन कब कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो बहनों आपको इसे सेवन विधि, यानी कि इसकी विधि बता रहा हूँ मैं आपको, आपको ये 3 चम्मच सिरप पीना है, यानी कि सुबह शाम पीना है, इसको 3-3 चम्मच सुबह शाम पीना है। आप एक टाइम भी पी सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इसको सुबह शाम पी सकते हो खाना खाने के बाद। और अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये सिरप पीते हो तो आपको क्या क्या परहेज करनी चाहिए। आपको तेज मसालेदार वाली चीज बिल्कुल नहीं खानी है, और खासकर भुने सामान का सेवन ना करें। अगर आप इन चीजों का परहेज करोगे तो आपको इस सिरप का असर बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नारी का स्वस्थ शरीर ही उसका सर्वोत्तम गहना है। दोस्तों जिन जिन दिक्कतों में मैंने आपको ये बताया है, आप उन दिक्कतों में इस सिरप को पी सकते हो। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए हो। तो दोस्तों ये थी नारी जीवन सिरप की फुल इन्फॉर्मेशन, यानी फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।